Hello and I welcome all my dear students to the amazing platform of Learn Karo class 11 and 12 and I am Shreya, your English educator. So, as per your term 2 syllabus by CBSE, अब तक हम majority of the term 2 का syllabus already cover कर चुके हैं, जिसमें include करता है आपकी book Flamingo में से 2 prose and poetry section में से 2 poems. Then, आपकी supplementary book Vistas में से 3 chapters. Under writing skills portions आपका आता है short writing task में सबसे पहले invitation and replies दोनों ही type के informal and formal. Under long writing task आपके आते हैं दो चीजें, that is first letter of job application. तो इतना हम already cover कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो definitely जाकर देखिएगा. Separate playlist बनी हुई है English की, link description box में provided है. Definitely सभी बच्चों के लिए ये useful रहेगा. And आज हम लोग कवर करेंगे हमारा next long writing task का portion, that is report writing. Alright, so चलिए start करते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं, usually जब भी आपका long writing task का question आता है तो आपके पास choice provided होती है between the two. या तो आप choose कर सकते हो letter writing for the application of the job, या फिर आप choose कर सकते हो report writing में. Alright, अब ये दोनों ही question होते हैं आपके 5 marks के, जिसमें की marks revision है as 1 mark for the format, 2 mark for the content and 2 mark for the expressions. साथ साथ आपको grammatical accuracy, vocabulary, spellings का ध्यान रखना होता है. कोई भी ऐसा word use मत कीजिएगा जिसकी आपको spelling doubtful लग रही हो. Better होगा उसका कोई और synonym आप वहाँ पर use कर लो. So, report नाम से ही आपको पता चल रहा है, usually जिस भी event के बारे में आप report लिख रहे होते हो, वो past time में it has taken place, यानी कि वो हो चुका है. तो जब आप report writing कर रहे हो, तो उसमें आप present tense का बिल्कुल use मत करिएगा, क्योंकि event has already taken place in the past time. So, ing आपको use नहीं करना होता है यहाँ पर, right? So, usually report से आपको पता चलता है that it is about an event that has already taken place in the past time. तो यहाँ पर आपको present tense का use नहीं करना होता है क्योंकि event already हो चुका है past time में, right? Next आता है, अब कोई भी report है जब किसी event के बारे में है तो वो event दो तरह का हो सकता है, या तो वो good हो सकता है, कोई good incident से relate करता हुआ, या फिर वो कोई bad incident से relate करता हो सकता है. तो good में क्या क्या आ जाते हैं आपके पास? गुड में आपके पास आ जाते हैं जैसे कि कोई एनुअल डे फंक्शन हो सकता है, कोई फ्यूनरल सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा हो, या फिर कोई साइंस क्विज हो सकती है. सिमिलरली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बैड में, जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट के बारे में हो सकता है, कोई फ्लड, अर्थक्वेक, या फिर अ फायर ब्रोक आउट एट सम और द अदर प्लेस. इस तरह से आपके दो टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं. सो इवेंट्स गुड भी हो सकते हैं एंड बैड भी हो सकते हैं. अब आ जाते हैं, mainly there are two types of reports in your class 12 syllabus. कौन-कौन से हैं वो? सबसे पहले है reports for the newspaper involving accidents and दूसरा है reports on events and functions. Alright? So newspaper reports involving accidents में क्या होता है? कोई भी एक ऐसी report जो कि कहाँ publish होनी है? Usually आपके newspaper में, और वो काहे के बारे में है? About the road accidents, यानी कि कोई mishap या फिर कोई bad news. तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स एंड फंक्शंस. तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं जब आप लिख रहे होंगे रिपोर्ट. अ गुड रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज क्लियरली एज पॉसिबल. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अपने रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहे हो, इट शुड बी एज क्लियर एज पॉसिबल. ऑर्नामेंटल लैंग्वेज की आपको बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं करना होता है. नेक्स्ट है राइट इन प्रैक्टिकल एंड बिजनेस लाइक मैनर. नेक्स्ट है राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस. जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हो तभी आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो, तो ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है एक दूसरे को. नेक्स्ट है राइट इन थर्ड पर्सन, यानी कि आई यू और वी टर्म्स का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखनी होती है. द कंटेंट शुड इंक्लूड. अब आप जब रिपोर्ट लिख रहे हो तो अपने आप को आप आंसर फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करो किन क्वेश्चंस का, एज व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, कोई आई विटनेस अकाउंट अगर प्रेजेंट है, या फिर एक्शन ऑफ मिसहैप एटसेट्रा. तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी रिपोर्ट में इंक्लूडेड डेफिनेटली होने चाहिए. नेक्स्ट है द एम ऑफ द रिपोर्ट एंड सोर्स फ्रॉम वेयर इट वाज ऑब्टेन शुड बी मेंशन क्लियरली इन द बिगिनिंग इटसेल्फ.
इट शुड हैव अ प्रॉपर हेडिंग. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका क्या, रिपोर्ट की हेडिंग, जिससे आपको पता चलता है कि एंटायर रिपोर्ट किस चीज के बारे में लिखी गई है. इट शुड बी इन अ सिंपल लैंग्वेज व्हिच इज इजी टू ग्रैस्प इन सेवरल स्मॉल पैराग्राफ्स. अब जो मेन बॉडी आएगी आपकी रिपोर्ट की, उसको आपको डिवाइड करना है इनटू सेवरल पैराग्राफ्स. बेटर होगा हर एक पैराग्राफ के बाद आप एक लाइन को लीव कर दें. इससे क्या होगा, आपका जो रिपोर्ट है वो और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा. लास्ट है अडहेयर टू द वर्ड लिमिट दैट इज 150 टू 200 वर्ड्स. अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंडर आता है तो इसकी वर्ड लिमिट यूजुअली होती है 150 टू 200 वर्ड्स. विद इन इट आपको अपनी रिपोर्ट को समअप कर देना होता है. So value points to be used in accident report. अब accident report जब आप लिख रहे होंगे तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप उसे frame कर रहे हो, क्योंकि 150 to 200 around इतने words आपको लिखना होता है तो definitely आपके पास बहुत सारी information होनी चाहिए. So आप क्या क्या उसमें include करोगे कि what happened, when it happened, why, अगर आपको पता हो ये किस वजह से कोई भी accident हुआ है तो आप उसे mention कर सकते हो. कोई भी अगर लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है आप उसे वहां पर मेंशन कर सकते हो. डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट साइट, एग्जैक्टली एक्सीडेंट साइट क्या थी जहां पर कोई भी मिसहैप हुआ वो आप मेंशन करोगे. देन डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलेटिव ऑपरेशंस, अगर कोई भी रेस्क्यू है ऑपरेशन वहां पे हेल्ड हुआ है तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट है कहां पर हुआ, कैसे वो एक्सीडेंट हुआ है, एंड देन पीपल या व्हीकल्स इन्वॉल्वड अगर कोई हो तो उन्हें आप वहां पर कोट कर सकते हो. नेक्स्ट है अगर कोई आई विटनेस अकाउंट वहां पर प्रेजेंट था, वहां के आसपास के लोग जिन्होंने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, उनसे आप स्टेटमेंट लेकर यहां पर कोट कर सकते हो. नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, इफ एनीबॉडी इज इंजर्ड, डेड या फिर हॉस्पिटलाइज्ड, वो मेंशन करना होता है. नेक्स्ट है अगर कोई एक्सीडेंट है तो वहां पर पुलिस एक्शन भी रिक्वायर हो सकता है, कोई इंक्वायरी हो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन, जो कि पे करती है गवर्नमेंट for the families of those जो कि किल हुए हैं या फिर injured हुए इस particular accident में. Next है warning, recommendations या actions required, क्योंकि last paragraph में आप conclusion लिख रहे होते हो कि ये जो भी accident हुआ definitely बहुत ही बुरा हुआ, and warning या फिर recommendation या फिर action required जो कि होना चाहिए by higher authorities. आइए जान लेते हैं फॉर्मेट ऑफ एन एक्सीडेंट रिपोर्ट, राइट. सो क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइडेड है, ऋषिकेश इज अ पॉपुलर इन इंडिया फॉर इट्स रिवर राफ्टिंग. अ वेल नोन राफ्टिंग गाइड गेट्स ड्राउन्ड इन एन रिवर व्हाइल सेविंग 8 मुंबई टूरिस्ट. राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली कवरिंग दिस राफ्टिंग मिसहैप. वर्ड लिमिट आपको प्रोवाइडेड है 150 टू 200 वर्ड्स की. अब आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट जिसको आप बोलोगे वो आपके पास प्रोवाइडेड होता है आपके क्वेश्चन में ही. कहाँ की बात है ये, ऋषिकेश में मिसहैप जो हुआ क्या हुआ, जब एक वेल नोन गाइड क्या हो गया, ड्राउन हो गया व्हाइल सेविंग 8 टूरिस्ट फ्रॉम मुंबई. अब इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है जो कि कहाँ पर प्रिंट होनी है, इन अ न्यूज़पेपर. सो सबसे पहले आपको लिखना होता है हेडिंग जो कि आप टॉप में लिखते हो, राफ्टिंग गाइड ड्राउन्स आपको सेविंग 8 लाइफ. यूजुअली जो भी हेडिंग होती है उसको आपको सिंपल रखना होता है, जिससे कि जो भी इस रिपोर्ट को पढ़ रहा है वो आसानी से समझ सके कि आपकी रिपोर्ट किस बारे में है, और ये आपको हमेशा ही क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है. नेक्स्ट आपको लिखना होता है बाईलाइन, यानी कि आपका खुद का नाम जो कि इस रिपोर्ट को लिख रहा है. अगर डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में तो आप वहां से ले सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी आर्बिट्ररी फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि बाय नरेंद्र सोलंकी स्टाफ रिपोर्टर, क्योंकि ये एक रिपोर्ट प्रिंट होनी थी कहां, न्यूज़पेपर में. नेक्स्ट आपको लिखना होता है प्लेस एंड डेट, तो आपने लिख दिया देहरादून 10th अप्रैल एंड ईयर सो एंड सो. डेट का आपको फॉर्मेट मैंने बहुत बार बोला है कि आपको स्लैश या डैश नहीं यूज करना है, इस प्रॉपर फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी होती है, राइट. देन आपने मेन बॉडी को डिवाइड कर दिया है अपने 3 पैराग्राफ्स में. फर्स्ट पैराग्राफ में आप दे दोगे इंट्रोडक्शन जिसमें कि आप बताओगे क्या हुआ था, राइट. सो अ राफ्टिंग गाइड ड्राउन्ड इन गंगा रिवर नियर ऋषिकेश आफ्टर सेविंग 8 टूरिस्ट ऑल रेजिडेंट्स ऑफ मुंबई. ये सारा ही आपको डेटा प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में. He was well conversant with the river and having more than 25 years of experience of the swift flow of the river in Rishikesh. अब ये वाली जो लाइन है ये आपने खुद से फ्रेम करी है, और इससे पता चलता है how well you can connect with the question, जो कि मार्क्स आपके कहाँ काउंट होंगे, into the expression. Next है however his heroism cost him his life. ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट.
बीच में आप यहाँ पर एक लाइन को लीव करोगे एंड देन स्टार्ट करोगे आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिसमें आप सेकंड पैराग्राफ इंक्लूड करोगे. दिस मिसहैप अकर्ड एट अबाउट सो एंड सो टाइम ऑन सो एंड सो डे व्हेन द राफ्ट कैरिंग द टूरिस्ट टर्न्ड टर्टल व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम इन द रिवर. अब यहाँ पर टर्न टर्टल का क्या मतलब होता है, जब अपसाइड डाउन हो गई क्या वो राफ्ट जिसमें कि ये सब लोग थे. सो ऑल द 8 टूरिस्ट वर सेव्ड बाय 45 ईयर ओल्ड राजेश कुमार एज ही ओके कंटिन्यूएशन में एज ही फिजिकली ड्रैग देम अवे फ्रॉम द फास्ट वर्लिंग रिवर ही मैनेज्ड टू रीच द लास्ट टूरिस्ट टू द शोर बट कोलैप्स्ड एंड फेल इनटू रिवर वाटर अगेन ड्यू टू एग्जॉशन. अब किस वजह से वो ड्राउन हो गया आफ्टर सेविंग ऑल द 8 टूरिस्ट. तो ये वाली जो स्टोरी है ये आपने खुद से फ्रेम करी है. रिपोर्ट राइट करने से पहले आपको फ्लो ऑफ आइडियाज पहले ही अपने माइंड में क्या करने होते हैं, जॉट डाउन कर लेने होते हैं. नेक्स्ट है ही मैनेज्ड टू रीच द लास्ट टूरिस्ट टू द शोर बट कोलैप्स्ड एंड फेल इनटू द वाटर अगेन ड्यू टू एग्जॉशन. अब ये वाली स्टोरी जो है आपने खुद से फ्रेम करी है, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं थी. तो ऐसे ही फ्लो ऑफ द इवेंट्स एक के बाद एक जो कि हुआ है ऐसी आपको स्टोरी अपने आप फ्रेम कर लेनी और बेटर होगा उसको आप कहीं पर जॉट डाउन कर लो और उसी पैटर्न में आप यहाँ पर लिखोगे. So, by the time bystanders came to his rescue, too much water had gone into his lungs, causing asphyxiation. यानी कि वो ढंग से अब सांस नहीं ले पा रहे थे. Then again you will leave a line in between and last आपका paragraph जो होता है conclusive paragraph उसमें आपने लिखा है he was rushed to a government hospital in Rishikesh where doctors tried to revive him but to no avail. यानी कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ. After trying for half an hour, they declared him dead. Rajesh, who was a well-known rafting guide of the area, had been a guide for the last 25 years. Government had ordered an inquiry into the mishap and has announced a bravery award for him. He will always be remembered for his excellent devotional to duty. Alright, तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को कवर करोगे. बेसिकली आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है, देन बायलाइन आता है जिसमें कि आप नेम, डेजिग्नेशन एंड उस प्लेस का नाम एंड डेट लिखते हो इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. देन मेन बॉडी में आप अपने जो पूरा कंटेंट है उसको डिवाइड करते हो 3 पैराग्राफ्स में. आफ्टर ईच पैराग्राफ यू लीव अ लाइन एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंड में नेम नहीं लिखा जाता है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एंड में नेम लिख देते हैं जो कि गलत है. यहाँ पे आपने नेम ऑलरेडी लिख दिया है स्टार्टिंग में ही. ऑलराइट, आई होप ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहा होगा और समझ जरूर आया होगा. स्टिल आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो. बाय लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. यू मे अवेल द एंटायर स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो अटेंड लाइव टेस्ट quizzes and assignments too. So definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo the live learning app and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को timely notifications मिलते रहें. So with this I'll end up this session here and in the next session we will discuss reports on events like functions. All right. So with this ending up this session, see you all in the next session. Till that time keep studying, take care, all the best, bye bye.